हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर, दिस इज योर 13 लेसन ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। इट्स चैप्टर्स नेम इज रॉबिन्सन क्रूसो बिल्ड्स ए हाउस। रॉबिन्सन क्रूसो ने एक घर बनाया। तो नो डाउट यू हैव हर्ड ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपने रॉबिन्सन क्रूसो का नाम आपने नहीं सुना है। हु आफ्टर बीइंग शिपरेक्ड वाज कास्ट एशोर ऑन ए लॉनली आइलैंड वेयर ही लिव्ड एलोन फॉर सेवरल ईयर्स। ये वही रॉबिन्सन क्रूसो है जो अपना शिप के खराब हो जाने के बाद शिप के बेकार हो जाने के बाद एक द्वीप पर रहना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। काफ़ी सालों तक रहा वो द्वीप, बिल्कुल नितांत अकेला था, वहाँ कोई जीव जंतु नहीं थे। तो ये कहानी वही रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में है। एंड लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। आई फाउंड ए लिटिल प्लेन लैंड ऑन द साइड ऑफ ए राइजिंग हिल। एक पहाड़ की चोटी के तरफ एक समतल भूमि को मैंने पाया। ये रॉबिन्सन क्रूसो बता रहे हैं कि उन्होंने एक खाली स्थान को पाया पहाड़ की चोटी के पास। हुज फ्रंट टुवर्ड्स दिस लिटिल प्लेन वाज ए रॉक एज स्टीप एज ए हाउस साइट। जिसका सामने का जो थोड़ा सा समतल भूमि था उसके पास एक चट्टान था जो उसके घर के तरफ से दिखता था, उसके घर के तरफ रखा हुआ था। सो नो सावेज क्रिएचर्स मेन और बीस्ट इफ एनीवेयर ऑन दिस आइलैंड कुड कम अपॉन मी फ्रॉम द टॉप। इसीलिए वहाँ जो है कोई जंगली जीव जंतु, मनुष्य या राक्षस, इफ एनीवेयर ऑन द आइलैंड कोई ऐसा नहीं था जो उस द्वीप पर था, कुड कम अपॉन मी फ्रॉम द टॉप, जो जहाँ पर मैं रहता था उसकी ऊंचाई तक पहुँच सके ऐसा कोई मौजूद नहीं था। ऑन द साइड ऑफ द रॉक देयर वॉज ए हॉलो प्लेस, और उस चट्टान के तरफ एक खाली स्थान था। और ए लिटिल वे इन, जिसके पास से होकर एक रास्ता गुजरता था, लाइक द डोर ऑफ ए केव। तो उसका बनावट ऐसा था कि लगता था जैसे वह गुफा का दरवाज़ा है। बट देर वॉज नॉट रियली एनी केव, लेकिन सच्चाई ये थी कि वह कोई गुफा नहीं था और वे इन टू द रॉक एट ऑल, और न ही तो उस चट्टान के पास से कोई रास्ता निकल रहा था। ऐसा देखने से प्रतीत होता था कि एक रास्ता है जो वहाँ से निकल रहा है और गुफा नुमा है, जबकि सच्चाई ऐसा नहीं था। ऑन द फ्लैट ऑफ द ग्रीन जस्ट बिफोर दिस हॉलो प्लेस, उस समतल भूमि में जिसमें हरियाली थी, मतलब हरे भरे खेत नुमा एक जगह था, जस्ट बिफोर दिस हॉलो प्लेस, इस खाली स्थान के ठीक सामने, आई डिसाइडेड टू पिच माई टेंट, और मैंने अपना टेंट गाड़ने का वहाँ फैसला कर लिया कि मैं अपना टेंट वहीं लगाऊंगा। तो दिस प्लेन ले लाइक ए ग्रीन बिफोर माई डोर। तो ये समतल भूमि जो है मेरे दरवाजे के ठीक सामने में हरियाली से भरा हुआ ये समतल जगह, एंड एट द एंड और मेरे घर के सबसे आखिरी छोर पर इट वेंट डाउन एवरी वे टू लो ग्राउंड्स बाय द सी साइड। तो समुद्र से लगा हुआ एक छोटा मैदानी भाग
वहाँ मौजूद था। तो इट वॉज ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ द हिल, और दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र में पहाड़ की चोटी थी। सो दैट आई वॉज शेल्टर्ड फ्रॉम द हीट एवरी डे टिल द सन केम नियर द सेटिंग। इसीलिए मैं शेल्टर नुमा जगह को बना रहा था या शेल्टर नुमा जगह में रहता था, जिससे प्रतिदिन जो सूर्योदय के बाद सूरज की जो गर्मी है उससे बचा जा सके, कि जब तक सूरज वहाँ मौजूद है तब तक उसके गर्मी से बचने के लिए मैंने अपना एक तंबू लगा दिया था। दैट इज़ कॉल्ड शेल्टर इन विच ए पर्सन कैन लिव, एंड दैट शेल्टर विल प्रोटेक्ट द हीट ऑफ सन, रेनफॉल एंड डस्ट etc. तो ऑन द बिफोर आई सेट अप माई टेंट, जब मैंने टेंट नहीं लगाया था, आई ड्रू ए हाफ सर्किल बिफोर द हॉलो प्लेस, तो मैंने उस खाली स्थान को आधे में घेर दिया। इन दिस हाफ सर्किल आई पिस्ड टू रोज ऑफ ए स्ट्रांग स्टेक्स, तो उस आधे सर्किल में मैंने दो खंभा खड़ा कर दिया, ड्राइविंग देम इनटू द ग्राउंड टिल दे स्टूड वेरी फर्मली, और ऐसा खड़ा किया कि ड्राइविंग देम इनटू द ग्राउंड टिल दे स्टूड वेरी फर्मली, कि जिससे ये खंभे बिल्कुल मजबूती से खड़ा रहें। द एंड ऑफ ईच स्टिक, प्रत्येक खंभे के आखिरी में स्टूड आउट द ग्राउंड अबाउट 5 feet एंड ए हाफ एंड वाज सर्पेंट एट द टॉप। तो इस खंभे के आखिरी में जो ग्राउंड के बाहर लगा हुआ था, जो 5.5 feet के लगभग आसपास में था और ऊपर से नुकीला था, ऊपर से इट वॉज शार्पेंड एट द टॉप, ऊपर से नुकीला था। देन आई टूक द पीसेज ऑफ केबल, तब मैंने तार के उस टुकड़े को लिया, विच आई हैड कट इन द शिप, जिसको मैंने जहाज में काटा था, एंड लेट देम इन रोज वन अपॉन अनदर, और एक दूसरे को गुच्छे में लगा कर रख दिया था, बिटवीन दिस टू रोज ऑफ स्टेक्स अप टू द टॉप। तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया गया, बिटवीन द टू रोज, दो पंक्ति में अप टू द टॉप, सीधा ऊपर से। आई प्लेस्ड अनदर स्टिक्स ऑन द इनसाइड, और मैंने दूसरे खंभे को अंदर की ओर से लगाया, लीनिंग अगेंस्ट देम लाइक स्पर टू द पोस्ट, जिससे वह अपने पोस्ट पर, अपने उस जगह पर बहुत अच्छे से खड़ा हो सके। दिस फेंस वॉज सो स्ट्रांग, यह खंभा इतना मजबूत था कि दैट नाइदर मैन नॉर बीस्ट कुड गेट इन टू इट और ओवर इट, कि कोई भी मनुष्य या दानव इसे पार नहीं कर सकता था, ना तो इसके नीचे से और ना तो इसके ऊपर से। इन टू दिस फेंस और फोर्ट्रेस आई कैरिड ऑल माई फूड, गन पाउडर एंड स्टोर्स। तो इसके ये बनाया हुआ जो मेरा आशियाना था, इस आशियाने में मैं अपना भोजन रख लिया था,
गन पाउडर रख लिया था, इन सब सामानों को इकट्ठा करके हमने रख लिया। आई मेड ए लार्ज टेंट एंड इन टू इट आई ब्रॉट एवरीथिंग दैट वुड गेट स्पॉइल्ड बाई द रेन्स। तो इस बने हुए बड़ा सा तंबू में हमने उन सारी चीज़ों को ले आया जो बारिश के कारण भीग सकती थी। हैविंग दस इनक्लोज्ड ऑल माई गुड्स और अपने सारे सामग्रियों को सुरक्षित करने के उपरांत आई बिल्ट अप द एंट्रेंस ऑफ द फेंस व्हिच टिल नाउ आई हैड लेफ्ट ओपन एंड सो पास्ड इन एंड आउट बाई ए लैडर। तो मैंने अंदर जाने की उस तंबू में अंदर जाने का जो रास्ता था उसमें उसको मैंने खुला छोड़ दिया एंड सो पास्ड इन एंड आउट बाई ए लैडर, और उसके अंदर जाने और आने के रास्ते के लिए हमने सीढ़ी तैयार कर ली। व्हेन आई वाज इन जब मैं उसके अंदर था आई लिफ्टेड द लैडर ओवर आफ्टर मी, तो मैं उस सीढ़ी को हटा देता था। दस आई वॉज कम्प्लीटली फेंस्ड इन एंड सो आई केप्ट सेफली इन द नाइट, जिससे कि मैं पूर्ण रूप से उस खेमे के अंदर था, अंदर होता था और रात्रि के टाइम में काफ़ी सेफ्टी होती थी, सुरक्षित रहता था। व्हेन आई हैड डन दिस जैसे ही मैंने इसे कर लिया आई बिगन टू कट ए वे इन टू द रॉक, तो मैं चट्टान से होकर मैंने एक रास्ता तैयार किया एंड दस आई मेड ए केव, और इस तरह से मैंने एक गुफा बनाया जस्ट बिहाइंड माई टेंट, ठीक मेरे टेंट के पीछे मैंने उस गुफा को तैयार किया। विच सर्व्ड मी लाइक ए सेलर और किचन टू माई हाउस, जिसे मैंने अपना रसोई घर के रूप में, अपने घर के रसोई घर के रूप में मैंने इस्तेमाल किया। इट कॉस्ट मी मच लेबर, इसको बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ा। एंड मैनी डेज और बहुत सारे दिन बिफोर ऑल दिस थिंग्स वेयर परफेक्टली फिनिश्ड, कि जब तक यह काम पूरा नहीं हुआ तब तक बहुत दिन लगा और काफ़ी मेहनत करना पड़ा, जिससे यह चट्टानों से होकर एक गुफा जैसा बन गया जिसमें मैं रसोई के रूप में उसे इस्तेमाल करने लगा। तो नाउ आई बिगन टू मच सच थिंग्स एज आई फाउंड आई मोस्ट वांटेड, अब मैं उन चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया जिसे मैं ढूंढना चाहता था और जो मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा था। आई मेड ए टेबल एंड ए चेयर आउट ऑफ द शॉर्ट पीसेज ऑफ ब्रॉड्स, मैंने छोटे छोटे टुकड़ों से, छोटे बड़े टुकड़ों को लेकर एक टेबल बनाया और एक कुर्सी बनाया। दैट आई ब्रॉट ऑन माई रैप्ट फ्रॉम द शिप, इसकी सामग्री जहाज से मुझे प्राप्त हुई थी। आई मेड लार्ज सेल्फ्स ऑल एलोंग वन साइड ऑफ माई केव, और मैंने गुफा के बाहर जो है एक सेल्फ बनाया, एक रेक नुमा चीज़ बनाया टू ले ऑल माई टूल्स, नेल्स एंड आयरन वर्क्स, जो लोहे का काम करता हुआ जो हथियार थे, जो सामग्री था एंड कांटी था, टूल था, काम करने वाले जो टूल था, तो उसको आसानी से उसमें रखा जा सके, ऐसा शेल्टर सेल्फ्स बाहर में बनाया। एंड आई नॉक्ड पीसेज इनटू द वॉल ऑफ द रॉक, और मैंने दीवार पर पत्थर की सहायता से उसे ठोक दिया टू हैंग माई गन्स, जिसे मैं अपना बंदूक लटका सकूं एंड ऑल थिंग्स दैट वुड हैंग अप, और वे सारी चीज़ें जिसे उस दीवार में टांगा जा सके।
लेट अस लीव दिस चैप्टर फॉर टुडे एंड हियर आफ्टर फॉर फॉरवर्ड आई शैल टेक योर क्लास इन नेक्स्ट डे. थैंक्स अ लॉट.